यहां पर एक स्पेस है, इस स्पेस में हम एक पार्टिकल लेकर जाते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल। सपोज वो चार्ज पार्टिकल मूव करने के लिए फ्री है और ये चार्ज पार्टिकल है जो इस तरह से पेंडुलम जैसे लटका हुआ है। इसको मैं ऐसे उठाकर इस कमरे में लेकर आया, जैसे ही इस कमरे में इसे लेकर आया तो क्या देखते हैं कि ये ऐसा हो गया, लाइक दिस, यहां से ऐसा चला गया। हम लोग अपने जनरल मैकेनिक्स से ये जानते हैं कि ये अगर इधर गया है, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, अगर ये यहां से यहां गया है तो इस पर जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा और उस फोर्स के कारण ये ऐसा चला गया। कोई फोर्स लगा होगा तभी ऐसा गया, ठीक है। इसको हमने यहां से उठाया, दूसरे कमरे में लेकर गए, दूसरे कमरे में लेकर गए तो वहां जाकर हमने क्या देखा कि ये ऐसा खड़ा है और वहां ले जाने से इधर नहीं गया। तीसरे कमरे में लेकर गए तो वहां पर हमने देखा कि ये ऐसा आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि इस पर फोर्स इधर लगता है। चौथे कमरे में लेकर गए तो वहां पर भी ये डिस्प्लेस होता है, पर ये अगर इस कमरे में 10 डिग्री डिस्प्लेस हुआ था तो हमने देखा कि यहां ये 20 डिग्री डिस्प्लेस हुआ है, ये इतना ज्यादा। और इन चारों कमरों में हमको कुछ नहीं दिखता है। अगर एक बॉल को हम यहां से यहां तक ले जाना चाहते हैं, इसको यहां से यहां तक ले जाना चाहते हैं, तो तरीका क्या है, ऐसा पकड़ो और ऐसे ले जाओ, कॉन्टैक्ट करो और ले जाओ। लेकिन यहां पर किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया है, ये अपने आप ही ऐसा चला गया। ये कैसे हो सकता है कि बिना कॉन्टैक्ट के उस पर फोर्स लग जाए? तो जब ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लगना कहां पर देख चुके हैं, तो ग्रेविटेशन के एग्जाम्पल्स में हमने ये देखा है। यहां पर हमने एक बॉल को रखा और जैसे ही हम उस बॉल को हाथ से छोड़ते हैं, वो बॉल को अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है और वो बॉल अर्थ की तरफ चली जाती है। क्या अर्थ इसको कॉन्टेक्ट में आई? नहीं आया। उसके बाद भी अर्थ ने इसको खींच लिया। तो ये हमारी पुरानी पहचान है कि बिना कॉन्टेक्ट के भी फोर्स लगाए जा सकते हैं, बिना कॉन्टेक्ट के। और उसके लिए हमने एक नाम दिया है कि इस लोकेशन पर किसी चीज का इफेक्ट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक इफेक्ट है किसी का। वो इफेक्ट क्या करता है? वो इफेक्ट फोर्स लगा देता है, वो इफेक्ट फोर्स लगा देता है। जैसे यहां पर हमने बॉल को छोड़ा तो यहां किसका इफेक्ट है? तो आंसर है अर्थ का इफेक्ट है। उस अर्थ के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। उस ग्रेविटेशन का जो इफेक्ट होता है उसके कारण ये बॉल नीचे की तरफ खींची चली आती है और उसका नाम हमने दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या हां है ग्रेविटेशनल फील्ड? अर्थ के चारों तरफ फैला है, सन के चारों तरफ फैला है, जिस चीज के पास मास है उसके चारों तरफ फैला है। ठीक वैसे ही जहां कहीं चार्ज होता है उसके चारों तरफ उसका इफेक्ट होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक होती है। उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि अगर कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में आता है तो इसको उसके कॉन्टेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, बिना कॉन्टेक्ट में आए ये इस पर फोर्स अप्लाई कर देगा, या तो इसको खींच लेगा या इसको रिपेल कर देगा। हाँ, एक शर्त जरूर है कि इसको भी इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ जो इफेक्ट बनाता है वो किसको इफेक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को इफेक्ट कर सकता है, मास को इफेक्ट नहीं करेगा, मैग्नेट को इफेक्ट नहीं करेगा, हमको आपको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज को इफेक्ट करेगा। तो इसका सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इफेक्ट किस पे करता है? एक दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो इफेक्ट चारों तरफ फैला हुआ है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। पर फिर भी हमको सोचना होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कैसे करता है, किस तरह से ये फोर्स लगा लेता है, जबकि हम जानते हैं कि फोर्स के लिए कॉन्टेक्ट जरूरी है। अगर आपको एक दरवाजे को बंद करना है तो
को बंद करने के लिए आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। कांटेक्ट करेंगे, दबाएंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे, दरवाजा खोल सकते हैं। तो फील्ड किस तरह से काम करता है, इसके बारे में बहुत सारी कहानियां सोची गई। फील्ड किस तरह से काम करता है, फील्ड रियल क्वांटिटी है या नहीं है, खाली इमेजिनरी है, कैसा है, तो इसके लिए सुनिए। एक एनालॉजी हम दे सकते हैं कि फील्ड किस तरह से काम करता है। फील्ड उसी तरह से काम करता है जैसे स्पाइडर की वेब काम करती है। स्पाइडर की वेब, मकड़ी ने एक जाला बनाया एक गुफा के दरवाजे पे, और वो सेंटर में कहीं भी उस पे छिपकर बैठ गई, किनारे में, सेंटर में कहीं पर। अब वो जाला इतना फाइन है कि वो दिखता नहीं। वहां पर हमको क्या दिखता है, खाली जगह दिखती है। वहां पर एक दूसरा इंसेक्ट आता है, जैसे ही आता है उस जाल में फंस जाता है। जैसे ही वहां पर आता है उस जाल में फंस जाता है, तो वो जाल क्या काम करता है, नंबर एक मकड़ी को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे एरिया में एक दूसरा इंसेक्ट आया। पहला काम ये, उसको इन्फॉर्म करना। दूसरा काम वो क्या करता है, मकड़ी उसको इंस्ट्रक्शन देती है तो वो उसको इंसेक्ट को ऐसे लपेटता है, और लपेटते हुए अपने उस धागे को छोटा करता जाता है, और लास्ट में इंसेक्ट उसके मुंह में पहुंच जाता है। तो उसने, उस जाल ने मकड़ी के लिए फोर्स लगाया। अब ये मकड़ी उस स्पाइडर उसके कांटेक्ट में नहीं आई, इंसेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आई, लेकिन इसको पता भी लग गया कि मेरे एरिया में एक इंसेक्ट आया है। दूसरा, ये उस पर फोर्स भी लगा दी। तो ये जो जाल फैला हुआ है, इसको हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ एक बहुत बड़ी वेब बनाकर रखता है, बहुत बड़ा जाल बनाकर रखता है जो हमको आंख से नहीं दिखता, लेकिन ऐसा फैला होता है। वो क्या काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा, इस चार्ज को पता लग जाएगा कि दूसरा चार्ज आया, तुरंत ये क्या करेगा, या तो उसको खींच लेगा या उसको रिपेल कर देगा। तो ये जो इफेक्ट फैला हुआ है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक चार्ज। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, नहीं है, है ज्यादा है, उल्टी तरफ है, ये सारे एग्जाम्पल है। तो है या नहीं है, इसको देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको देखने के लिए एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसके पास चार्ज है। अगर वो पार्टिकल मेरे पास नहीं है तो मैं पता नहीं लगा सकता कि यहां चार्ज है या नहीं, ठीक है। इस तरह का एक पार्टिकल हमको चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई होता है या खाली हमने कल्पना की हुई है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई होता है। किस तरह से होता है, ये हमने देखा, एक्चुअल ऐसे होता है। अब एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये यहां तक गया, ओके। यहां पर हमने एक बेल लगा दी, एक घंटी यहां लटका दी। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वीक किया। कैसे वीक किया, सोर्स चार्ज को दूर कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया तो ये बॉल यहां चला जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रांग किया, यानी ये चार्ज को हम इधर लेके आए, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जैसे ही हमने इसको लटकाया ये यहां चला गया, इसको हमने पीछे किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया, तो ये थोड़ा सा गिर गया नीचे, यहां आ गया। फिर हम इसको इधर लाए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग हो जाने से इस पर फोर्स आया, ये फिर इधर गया। जैसे ही इधर गया, बेल के साथ बजा जाकर घंटी की आवाज हमारे कान में आई। That is a real action or virtual action. Real action, आवाज आई। फिर हमने इसको इधर किया, फिर ये इधर गया, फिर इसको इधर किया, फिर इधर आके इसने आवाज बनाई। तो हमने इसको पकड़ा सोर्स चार्ज को और इसको ऐसे वाइब्रेट कर दिया। अगर हमने सोर्स चार्ज को वाइब्रेट किया तो ये भी क्या होगा, वाइब्रेट होगा।
सोर्स चार्ज को जब हम वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा करते हैं, उसमें वाइब्रेशंस लाते हैं, तो ये भी वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा तो बेल बजेगी। ये बेल आपने सुनी है राइट, सबके मोबाइल में ये बेल बजती। तो हमारा मोबाइल इलेक्ट्रिक फील्ड के इसी एक्शन के कारण काम करता है। ये वाला चार्ज कहाँ है जो ऐसे हिल रहा है? तो आंसर है ये चार्ज टॉवर में, हमारे पास में जहां कहीं भी सर्विस ऑपरेटर का टॉवर है, बीएसएनएल का, एयरटेल का, जिसका भी, उसके टॉवर में जब इलेक्ट्रिक चार्ज वाइब्रेट करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रिक चार्ज भी वाइब्रेट करेगा हमारा, और हमारे मोबाइल में बेल बजेगी। तो ये किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हम एक ऐसे कमरे में मोबाइल ले जाते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पर घंटी बजेगी क्या? नहीं बजेगी। नहीं बजेगी तो हम उठाकर अपना मोबाइल देखते हैं और मोबाइल देख के हम क्या बोलते हैं कि यहां टॉवर नहीं है। टॉवर की लाइन आप देखते हैं, वो हमको बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग, वीक या एब्सेंट, नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज ए रियल थिंग, हमारे चारों तरफ है, यहां पर हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैला है और हर तरह का काम करता है। हमारा मोबाइल बजाता है, अभी हम रेडियो लगा लेंगे, रेडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से सबसे बड़ी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज को मूव कर सकता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज्यादा होगा वैसे वैसे चार्ज को मूव कराएगा। चार्ज अगर मूव होगा, चार्ज का मूव होना करंट बनाएगा, चार्ज का मूव होना एनर्जी को कैरी करेगा। देखिए, चार्ज को मैं ऐसा करूंगा, मैंने फोर्स लगाया, चार्ज को ऐसा किया, डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क किया, चार्ज पर पकड़ा पार्टिकल को, फोर्स लगाया, डिस्प्लेस किया तो मैंने वर्क किया, वर्क किया तो मैंने एनर्जी खर्च की, तो मेरी एनर्जी कहां गई? तो आंसर है, जब मैं इसको ऐसा करूंगा तो यहां फील्ड में कहीं एक चार्ज रखा है, इसके इफेक्ट में ये भी ऐसा होगा, यहां एनर्जी गई, फिर मैंने इसको ऐसे ऐसे किया तो ये भी ऐसे ऐसे होता है, तो मेरी एनर्जी यहां गई। तो एनर्जी को हमने ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करने वाला कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकता है। यहां से हमने अभी मंगल ग्रह के लिए उपग्रह छोड़ा हुआ है, वो सैटेलाइट, नॉट ओनली सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट इज गोइंग टू मार्स, करोड़ों मील वो दूर पहुंच चुका है, अभी भी वहां से सिग्नल आया, परसों आया। सिग्नल कैसे आया? उसके अंदर एक चार्ज है, वो चार्ज वाइब्रेट हुआ, यहां पर हमने उससे ट्यूनिंग करके एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है अपने रेडियो के अंदर। जैसे ही वो चार्ज हिला, ये चार्ज हिला, हमारे मोबाइल में आवाज आ गई और हमको पता लग गया कि वहां से सिग्नल आ रहा है, अभी परसों ही हुआ है। तो इतनी दूर से, करोड़ों मील से सिग्नल किसके थ्रू आया? इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है इतना ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होता है? आंसर है, इंफिनिट रेंज तक होता है, का रेंज इंफिनिट होता है। तो हमारे पास यहां जो चार्ज है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यहां पर है वो भी बनाएगा, जो स्पेसक्राफ्ट में चार्ज है वो भी बनाएगा। चार्ज किस पर होता है? चार्ज पार्टिकल पर होता है। अगर हम पार्टिकल को वाइब्रेट कराएंगे, मतलब किसको वाइब्रेट करा रहे हैं? चार्ज को वाइब्रेट करा रहे। चार्ज अगर वाइब्रेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है, उसके अंदर जितने चार्जेस हैं सब वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सभी चार्जेस वाइब्रेट होते हैं तो हमारा इसका 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 सबके मोबाइल के अंदर चार्ज वाइब्रेट होगा, लेकिन घंटी एक में बजेगी, जिसके नंबर को डायल किया गया है। वो कैसे होगा वो हम लोग एसी में, एसी के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर पर ही घंटी बजती है, दूसरे नंबर पर नहीं बजती है, इट इज नोन एज ट्यूनिंग। लेकिन जब भी कहीं चार्ज वाइब्रेट होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होता है। ओके, दूसरी बात हम कर रहे थे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कैरी करता है, ये अभी अभी हमने बात की।
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एनर्जी कैरी करता है, करंट बना सकता है, तो उस फील्ड में उस फील्ड को पकड़ने के लिए हमारे पास अलग अलग सेंसर होते हैं, अलग अलग सेंसर जो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ते हैं। ये एक बड़ी मजेदार बात है कि अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ने के लिए हमारे पास अलग अलग सेंसर होते हैं, और ऐसा ही एक सेंसर हमारी आंख के अंदर होता है। ये ट्यूबलाइट यहां पर जलती है, इसके अंदर चार्ज वाइब्रेट करते हैं। अगर चार्ज वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता हुआ हमारी आंख के अंदर आता है, अंदर घुस के रेटिना तक चला जाता है, रेटिना में चार्ज पार्टिकल को वाइब्रेट कराता है। वो जब चार्ज पार्टिकल रेटिना में वाइब्रेट होता है तो चार्ज का मूव करना इलेक्ट्रिक करंट है, तो वो करंट को भेजता है ब्रेन में। ब्रेन में एक सेंसेशन होता है और उस सेंसेशन को हम बोलते हैं देखना, टू सी। तो देखना अल्टीमेटली किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन के कारण। वहां का चार्ज हिला और उसके कारण हमारे यहां का चार्ज वाइब्रेट हुआ, और ये वाइब्रेशन कैरी कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम क्या जानते हैं, ये जो पर्टिकुलर वाइब्रेशन है इसको हमने ऑलरेडी एक नाम दिया हुआ है, और वो नाम है लाइट। सो लाइट इज व्हाट? लाइट इज वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से हम जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस की स्पीड को अलग अलग नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि हम नाम पहले दे चुके हैं, बाद में हमको पता लगा अरे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो वाइब्रेट कर रहा है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्लो हिलता है, कितना वो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, जब वो स्लो हिलता है तो उसकी वाइब्रेशंस को पकड़ने के लिए हमारे पास हमारे मोबाइल का एंटीना होता है, वो पकड़ता है उसको। उससे और थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेशंस अगर होते हैं तो वो इंफ्रारेड बनते हैं, जो इसमें है, जो हमारे रिमोट कंट्रोल में होता है। अगर फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो लाइट बनती है, और अगर ज्यादा होती तो एक्सरे बनती है, और ज्यादा होती है तो गामा रेज बनती है, और यही दुनिया में चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये पूरी दुनिया किससे भरी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। हमारा हर काम किससे हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन से हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर से दो बातें हमें याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस पर लगाएगा? एक दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पक्का। अब वो जिस इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोर्स लगाएगा उसके फोर्स को हमने देखा, एक्सपीरियंस किया, कैसे? हमने यहां हाथ रखा और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड चालू किया, इसने आके ठक से यहां मारा। मान लो यहां हमने एक स्प्रिंग लगा दिया और यहां पर एक मीटर लगा दिया, जितनी जोर से यह मारेगा उतना स्प्रिंग दबेगा, उतना हमारा मीटर चलेगा, हमको पता लगेगा कि इसने कितना फोर्स लगाया। यही प्रोसेस होती है हमारी वेइंग मशीन में, जितना वेट हम देते हैं उतना उसका कांटा चलता है। तो फोर्स एक ऐसी चीज है उसको हम नाप सकते हैं एक काउंटर फोर्स लगा के, स्प्रिंग लगा के। तो जैसे ही हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं, ये इसको आके दबाता है, हमको पता लग जाता है कि इसके पास फोर्स आ गया, और उस फोर्स को हम नाप भी सकते हैं। नापा, देखा कि फोर्स कब बढ़ता है, कब कम होता है। तो हमने दो चीजें ऑब्जर्व की, एक कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ, ये किस किस के प्रोपोर्शनेट होता है। तो ये हमने एक पार्टिकल लिया, इसको ऐसे रब किया, इसके पास कुछ चार्ज आ गया, इसको हमने वहां रखा, चेक किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए, फोर्स लगा 1 न्यूटन, और ये कुछ चार्ज था। अब हमने क्या किया, इसको 4 बार रब किया, वी आर श्योर इसका चार्ज इंक्रीज हो गया। जब इसका चार्ज इंक्रीज हो गया, फिर से इसको लटकाया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, फिर से इसमें फोर्स लगाया, अब फोर्स डबल हो गया। तो एक चीज हमको समझ में आई, जितना ज्यादा इसमें चार्ज होगा उतना ज्यादा
फोर्स लगेगा. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. ये एक चीज बन गई. दूसरी चीज देखिए, ये हमने इसका चार्ज बढ़ा दिया, फोर्स लगा रहा है. अब इस चार्ज के साथ हम दूसरे कमरे में जाते हैं, वहां पर जाके देखते हैं वो उतना फोर्स नहीं लगा पाता, कम फोर्स लगाता है. फिर हम इसको लेके तीसरे कमरे में जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि वहां फोर्स और कम लगता है. चौथे कमरे में जाकर देखते हैं फोर्स ज्यादा लगता है. इस तरह से कहीं फोर्स कम लगता है और कहीं पर फोर्स ज्यादा लगता है, जबकि इसका चार्ज सेम, चार्ज नहीं बदल रहा. अगर ऐसा हो रहा है कि चार्ज नहीं बदल रहा और फोर्स बदल रहा है तो कैसे हो सकता है? हमको आंसर, हमारे पास एक ही ऑब्वियस आंसर है, क्या कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा होगी, उस कमरे में कम होगी, इसलिए यहां फोर्स ज्यादा लगता है, वहां कम लगता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत होती है, उस ताकत के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकता है. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत होती है, उसके लिए हमने एक शब्द बनाया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका हमने नाम दिया ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका सिंबल हमने बनाया ई. तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा इस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा. सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हो गया. तो एक पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स इन दो चीजों पर डिपेंड करता है कि इसके पास चार्ज कितना है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है. अगर इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे देन इट विल बी फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू ई. अगर इसको इक्वेट करेंगे देन इट विल बी फोर्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट क्यू इंटू ई. कॉन्स्टेंट लगाना हमको पसंद नहीं है, मजबूरी होती है तो लगाते हैं, मजबूरी नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे. हम ये चाहते हैं कि कॉन्स्टेंट चला जाए. चला जाए मतलब उसकी वैल्यू वन हो जाए. और कॉन्स्टेंट को वन करने का तरीका देखिए, कॉन्स्टेंट को हम वन तभी कर सकते हैं जब हम इस इक्वेशन में कोई क्वांटिटी पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं. पहली बार, ये पहली बार और दूसरी बार क्या होता है? जैसे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, एफ इज इक्वल टू एम वन, सॉरी एफ इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. क्यू का यूनिट हमने बनाया हुआ है, R का यूनिट हमने बनाया हुआ है, F का यूनिट हमने बनाया हुआ है. इसलिए जब हम F इज इक्वल टू C इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं तो इस C को हम 1 नहीं कर पाते. क्यों? पहले सबके यूनिट बने हुए. फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ग्रेविटेशनल, दिस इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. यहां पर भी एक कांस्टेंट लगता है जिसके पास कुछ वैल्यू होती है. इसको भी हम 1 नहीं कर पाते. क्यों? हम पहले इन सब के यूनिट बना चुके हैं. हमारे साथ यहां एक बेनिफिट है कि हम E का यूनिट पहले अभी तक हमने नहीं बनाया. पहली बार E को स्टडी कर रहे हैं तो हम E का यूनिट इस तरह से बनाएंगे कि एक K की वैल्यू क्या हो जाए, 1. कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है. वो वाला E1 कहलाएगा, सुनिए ध्यान से, दैट E विल बी 1 व्हेन द चार्ज टेकन विल बी 1 एंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड विल बी 1 न्यूटन. चार्ज टेकन विल बी 1 कूलम्ब, फोर्स एक्सपीरियंस्ड विल बी 1 न्यूटन. एट दैट टाइम व्हाट एवर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी टेकन एज 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये भी क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू के. ये आ गया पुटिंग द वैल्यूज एंड हाउ मच इज के नाउ, के इज इक्वल टू 1. देयरफॉर के इज इक्वल टू 1. लेकिन इस के इज इक्वल टू 1 करने के लिए हमको एक कुर्बानी देनी पड़ी. क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बना देनी पड़ी. इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना पड़ा, उसको हमने बांध दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कब होगा, जब एक कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन. अब एक रस्सी से लटका के हम एक पार्टिकल लाए, उस पार्टिकल को 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है,
यहां पर लाते हैं, यहां लाते हैं और ये हमारे इसको ऐसे मारता है। अगर वो फोर्स 1 न्यूटन है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस कमरे में? 1। और अगर वो फोर्स 2 लगाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2। 3 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो 3। टेस्ट चार्ज हमने कितना लिया है? 1 कूलम। ओके, तो ये हमने इसकी डेफिनेशन बना दी। उस डेफिनेशन बनाने के बदौलत हमको क्या मिला? हमारा फॉर्मूला बड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट हो गया। हमारा फॉर्मूला K इज इक्वल टू 1 यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू Q इंटू सो वी गेट दिस स्मॉल फॉर्मूला विदाउट एनी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E इज अवर रिलेशन बिटवीन फोर्स चार्ज एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्रिएट किया, दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी लोकेशन ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू एट एनी लोकेशन। व्हाट इज एफ? फोर्स एक्सपीरियंस। व्हाट इज क्यू? चार्ज ऑन दैट मटेरियल व्हिच इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स। इसको नोट करिए। अच्छा, अब थोड़ा सा डेफिनेशंस लिखते हैं। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लोकेशन? क्या लिखेंगे आप? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लोकेशन इज, थोड़ा जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, मैं इसी में लिख देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लोकेशन, एट ए लोकेशन इज अमाउंट ऑफ फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज एट दैट लोकेशन। This is definition of electric field. Now, note कर लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए what is one unit electric field, तो क्या होगा? Force कितना लगना चाहिए? 1 न्यूटन। और charge भी कितना होना चाहिए? 1 कूलम। अगर 1 कूलम चार्ज हमने यहां रखा और उस पर 1 न्यूटन फोर्स लग गया तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 1। अब इसका यूनिट का नाम, इसका फॉर्मूला देखिए और यूनिट बताइए क्या होगा। एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम। सो दिस विल बी न्यूटन पर कूलम, राइट? तो नोट कर लीजिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, बाद में एक और ज्यादा पॉपुलर यूनिट आएगा, उस समय हम लोग फिर उसको पढ़ेंगे, वी विल डू इट लेटर। ओके, सो दिस इज न्यूटन पर कूलम। अब उसके बाद हम लोग लेते हैं, हाँ, यहां पर ये जो क्यू है ये कौन है? ये क्यू, दिस इज द चार्ज विच वी आर प्लेसिंग फॉर टेस्टिंग इलेक्ट्रिक, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। इस चार्ज पर हम फोर्स लगवाते हैं, हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो ये वाले क्यू के लिए हमने अपनी फैसिलिटी के लिए इसका नाम रख दिया। क्या नाम रखा? टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये हमको टेस्ट करके देता है, हिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं हिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सो दिस इज ए टेस्ट चार्ज, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए रखा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है? कोई ना कोई दूसरा चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। सो नाउ वी कम टू दैट, कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, जरूर कोई ना कोई लोकेशन में एक चार्ज है, ये क्यों? ये चारों तरफ अपना प्रभाव बनाता है। जैसे
भाई लोगों का पूरी सिटी में प्रभाव रहता है, ठीक है, इस एरिया में हमारा चलता है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है, उसका इफेक्ट है। वैसे ही इस चार्ज का चारों तरफ इफेक्ट है, क्या बोलते हैं इसको, फील्ड, ये हमारा एरिया है, हमारा फील्ड, ओके, तो ये अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, इसको हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज, इसका हम नाम रखेंगे सोर्स चार्ज, ओके। ये है टेस्ट चार्ज, टेस्ट। अब एक छोटी सी चीज याद रखिए, सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो ये भी आफ्टर ऑल है तो चार्ज, अगर ये चार्ज है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, आंसर है नो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो टेस्ट चार्ज भी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में टकराते हैं। आगे हम प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, एक दूसरे को काट नहीं सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल कर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड टकराए, ओके। इसका यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना 10, इसका उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बना 2, तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह गया, 8, जबकि इसने बनाया कितना था 10, हमने टेस्ट किया हमको मिला 8, क्यों 8 मिला हमको, क्योंकि इसने कितना बना दिया होगा -2, पर हमारी रीडिंग गलत हो गई। कैसे, हमसे किसी ने पूछा जरा अपने टेस्ट चार्ज से आप टेस्ट करो कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हम टेस्ट करने गए, हमने उसको बताया 8, लेकिन वहां था कितना 10, 10 का 8 क्यों हो गया, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में कितना बना दिया 2। अब इसका चारों तरफ ऐसा बनेगा, ये ऐसे बाहर जाता हुआ, तो इसने बनाया 2, इसने यहां पर बनाया 10, तो यहां रह गया 8, हमारी रीडिंग गलत हो गई। हम नहीं चाहते हमारी रीडिंग गलत हो, अगर हम नहीं चाहते कि हमारी रीडिंग गलत हो तो क्या होना चाहिए, आंसर है हमारा टेस्ट चार्ज छोटे से छोटा होना चाहिए। तो एक अच्छा टेस्ट चार्ज किसे माना जाएगा, 5 कूलम वाला या 5 माइक्रो कूलम वाला, 5 माइक्रो कूलम वाला। तो टेस्ट चार्ज की स्पेशलिटी क्या होती है, इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, सो दैट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्मॉल, इट शुड नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द सोर्स। समझ में आया, ये टेस्ट चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, इट्स अ वेरी रेयर क्वेश्चन, पर अगर पूछा जाए तो आपको मालूम रहना चाहिए दैट व्हाई टेस्ट चार्ज शुड बी टेकन एज ए स्मॉल चार्ज, बड़ा चार्ज क्यों नहीं ले सकते। इधर 3 कूलम रखा है, ये 2 कूलम हमने लिया, इसको टेस्ट चार्ज मान लिया, मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत माइनस कर देगा, सो देयर इज नॉट ए टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज की क्वालिटी क्या हुई, इट शुड हैव ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, नोट कर लीजिए, द टेस्ट चार्ज शुड हैव, टेस्ट चार्ज शुड हैव वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, so that charge created by it do not decrease the value of electric field, value of electric field created by source, value of electric field created by source, ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब उसके बाद फिर से हम आते हैं source charge और electric field intensity, इनके बीच का relation कैसा है। Physics जब हम study करते हैं तो हर चीज को quantify करते हैं, जैसे फोर्स क्या करता है, फोर्स धक्का लगाता है, धक्का लगाने से क्या होता है, पुश करने से चीज आगे बढ़ती है, हो गया फिजिक्स, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फॉर्मूला चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, अब फिजिक्स,
तो हमको एग्जैक्ट रिलेशंस चाहिए मैथमेटिकल मॉडलिंग करके, तब हमारी स्टडी कंप्लीट होती है। अगर सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना सोर्स चार्ज, कौन कौन सी क्वांटिटी होती है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करती है। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो देखिए यहां पर हमने एक सोर्स चार्ज रखा है, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है। तो उसका एक एग्जांपल हमने यहां किया हुआ है कि वो फोर्स किसके बराबर होता है, यू इंटू ई। लेकिन फोर्स लगाने का एक दूसरा मेथड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज कूलम्स लॉ। तो अगर ये हमारे पास सोर्स चार्ज है क्यू और यहां पर टेस्ट चार्ज है क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस है आर, तो ये यहां पर फोर्स लगाएगा और इस फोर्स की क्वांटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इतना फोर्स लगाता है। ये कौन सी भाषा हमने यूज की, कूलम्स लॉ की। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इतना फंडा हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी हमको मालूम है कि जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, that force will be test charge q multiplied by intensity of electric field e, q into e। एक ही सिचुएशन है, एक ही सेट है, इसलिए फोर्स तो एक ही होगा। ये किस रास्ते से कैलकुलेट किया, कूलम्स लॉ से। ये किस रास्ते से कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से। फोर्स एक ही है इसलिए ये दोनों क्वांटिटी आपस में कैसी हैं, इक्वल। सो क्यू ई इज इक्वल टू 1/4πε0 q q upon r square. This q is cancelled and we get this notation for electric field. So E electric field is equal to 1/4πε0 q upon r square. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन बन गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो क्यू आया वो कौन सा है, टेस्ट चार्ज की सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। थोड़ा एक नजर यहां देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें कौन सा चार्ज आया, टेस्ट चार्ज। सो रिलेशन ऑफ टेस्ट चार्ज विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। रिलेशन ऑफ सोर्स चार्ज विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 q upon r square. इसमें कौन सी एक और क्वांटिटी आ गई, r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा, एंड दैट इज E इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r2। r अगर 2 times हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 times वीक हो जाएगा। तो ये सोर्स से हमने रिलेशन निकाला और वो टेस्ट से रिलेशन निकाला। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इज इट ए स्केलर क्वांटिटी और इज इट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आंसर है, रिलेशन देखते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, क्यू इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो E इज इक्वल टू एफ, एफ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो E शुड बी ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमने टेस्ट चार्ज को 1 कर दिया, डेफिनेशन बनाने के लिए टेस्ट चार्ज को 1 किया, तो E किसके बराबर है, एफ के बराबर है। इफ क्यू इज इक्वल टू 1 देन E इज इक्वल टू एफ। इसी से ही हमने डेफिनेशन बनाई थी, दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक शब्द में इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैकेनिक्स में कौन सी क्वांटिटी होती है, फोर्स। मैकेनिक्स में हमने बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और इंपल्स, फोर्स, वर्क, एनर्जी। तो ये क्या चीज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स, याद रखिएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, लेकिन बेसिकली है क्या, फोर्स। ओके, तो ये आ गया फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। हां, हम बात कर रहे थे कि ये कैसी क्वांटिटी है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको इसकी डायरेक्शन बतानी आनी चाहिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होती है। नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बार बार हमको इंटेंसिटी इंटेंसिटी लिखना पड़ता है, तो आगे से हम इंटेंसिटी शब्द नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो उसका एक्चुअल मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए सिर्फ कितना बोला करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और आगे जाके और छोटा कर देंगे उसके लिए हम सिर्फ ई बोला करेंगे, कैपिटल ई, ठीक है, ई एट दिस पॉइंट, ई एट दिस पॉइंट, ई एट दिस पॉइंट, सो मच, ऐसा। ओके, फिर से हम नोट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये हमने नोट कर लिया। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो गया जनरल फीचर्स। अब अगली चीज हम लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप क्या क्या हो सकती है, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप से हमारा क्या मतलब, सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पर फोर्स लगाता है। यहां पर हमने एक चार्ज रखा और हमने देखा फोर्स इधर लग रहा है इस तरफ, तो हमने ये एरो बना दिया। उसके बाद हमने चार्ज को उठा के यहां रखा, देखा फोर्स इधर लग रहा है, ऐसा एरो बना दिया। फिर यहां पर चार्ज को रखा, अब फोर्स इधर लग रहा है, एरो बना दिया। फिर यहां चार्ज को रखा, फोर्स ऐसा लग रहा है। फिर यहां चार्ज को रखा, फोर्स ऐसा लग रहा है। फिर यहां चार्ज को रखा, फोर्स ऐसा लग रहा है। फिर यहां चार्ज को रखा, फोर्स ऐसा लग रहा है। ये क्या बनी, शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस प्लेस, ठीक है। तो इसकी शेप मतलब क्या, जहां पर आप चार्ज को रखें वहां पर वो क्या दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स। तो यहां पर जो जो फोर्स की डायरेक्शन है उस एरो को मिलाकर हमने सबको मिला दिया, तो ये किसकी शेप आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप आ गई, ये होती है शेप। दूसरा चीज अब देखिए, सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज होता है, कैसा चार्ज, उसका आंसर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज होता है, ये एक पॉइंट पर चार्ज रखा है और इस पॉइंट पर जो चार्ज क्यू है इसके कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ई, ये पॉइंट पी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है 1/4πε0Q/r2। ये वाला जो चार्ज है इसका शेप कैसा है, दिस इज पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज शेप कैसी, इसकी चार्ज की सोर्स की शेप कैसी है, पॉइंट, इसमें कितना चार्ज भरा हुआ है, क्यू, पूरा का पूरा क्यू चार्ज किस शेप में है, पॉइंट, तो ये होता है पॉइंट चार्ज। तो जब हमारा सोर्स चार्ज पॉइंट की शेप में होता है तो उसके चार्ज के लिए नोटेशन हमने क्या बनाया हुआ है, क्यू, क्योंकि पूरा का पूरा क्यू चार्ज इसी पॉइंट के अंदर ही रहता है, क्यू। दूसरा पी यानी आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होता है, राइट, ओके, डायरेक्शन इसकी अलोंग द लाइन, ये इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दिस, क्योंकि फोर्स कैसा लगता है, इधर लगता है, इसलिए ये इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये इसकी क्वांटिटी है। ये समझ में आ गया। अब दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, सोर्सेस, इसका जो सोर्स होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यहां पर ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पॉइंट चार्ज, क्या और किसी तरह का चार्ज होता है, आंसर है यस होता है। हमने एक तार ली पतली सी लंबी ऐसे लटका दी,
और ये जो Q चार्ज है इतना ही Q चार्ज उसको दे दिया, तार को टच करा के Q चार्ज दे दिया। तो Q चार्ज इस तार में यहां पर कहां रहेगा, यहां ऊपर, बीच में, नीचे या पूरे में फैल जाएगा? पूरे में फैल जाएगा, ठीक है। क्यों फैल जाएगा, किस प्रॉपर्टी के कारण चार्ज पूरे में फैल जाता है? जहां रखा है वहीं क्यों नहीं पड़ा रहता? कारण बताइए, आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, चार्ज क्यों फैलता है? सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने चार्जेस के बारे में क्या पढ़ी थी, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। तो अगर हम एक जगह पर चार्जेस रखेंगे तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो क्या होगा, फैल जाएंगे, ठीक है। और जब रिपल्शन लगेगा तो ये इधर लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, अल्टीमेटली सब अपने फोर्स को एडजस्ट करके बराबर कर लेंगे। जब वो अपने फोर्स को बराबर कर लेंगे तो उनका डिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, इक्वल। तो हम क्या देखते हैं कि वो यूनिफॉर्मली ये चार्ज इसमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये अब अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो कितना चार्ज है इसमें, कितना, इस कितना के लिए हम लोग क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हम नाप नहीं सकते। क्यों नहीं नाप सकते, क्योंकि तार इन्फिनिट लंबा है। अपने घर के सामने तार को देखिए, बिजली का तार कितना लंबा होता है, आप नापते निकल जाइए, उसके साथ साथ चलते जाइए, त्रिवेंद्रम पहुंच जाएंगे, क्योंकि तार तो जुड़ते चला जाता है ना, तो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस लेंथ को क्या बोलेंगे, इन्फिनिट लेंथ। अगर उसकी लंबाई ही हमको नहीं मालूम तो उसको हमने चार्ज दिया वो तो पूरे में फैल गया। तो उसके चार्ज को नापने के लिए फुल क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यू, ये फेल हो गया, ये नोटेशन हम उसमें नहीं लगा सकते। वो नोटेशन हम किसमें लगा सकते, एक लिमिटेड पॉइंट चार्ज जो चारों तरफ से लिमिटेड है, कहीं फैला नहीं हुआ इंफिनिटी तक, उसमें क्या लिखते थे, क्यू। लेकिन ये कैसा हो गया है, लेंथ वाइज फैल गया है, इसलिए इसमें वो क्यू टोटल चार्ज कंसेप्ट काम में नहीं आता। तो हम इसके लिए नया कंसेप्ट चुनते हैं। क्या कंसेप्ट चुनते हैं, कि ये तार इंफिनिटी तक फैला हुआ है, इसमें कितना चार्ज है हमको नहीं मालूम। हाँ, हमको ये मालूम है कि हमारे सामने जो एक मीटर तार है यहां से लेके यहां तक, इसके पास इतना चार्ज है। अगला एक मीटर लोगे उसके पास भी उतना चार्ज है, अगला एक मीटर लोगे उसके पास भी उतना चार्ज है। जैसे हमने आपसे पूछा कि इंडिया में जो शुगर है कितने की है, तो हम चकरा गए, क्योंकि इंडिया में कितनी शुगर है, कितने टन पड़ी है, हमको क्या मालूम, तो उसका प्राइस भी हम नहीं बता सकते। हाँ, एक चीज हम बता सकते हैं, 30 रुपए किलो। अब आप नापते रहो कितने किलो है, जो भी उसका रेट है, मान लो ये रेट हमको मालूम है ना पर केजी, तो शुगर का प्राइस हम किसमें बताते हैं, पर केजी। तो उसी तरह से यहां पर जब इसके चार्ज पूछने की बारी आती है, चार्ज इन्फॉर्म करना है, तो इसके चार्ज की भाषा में हम क्यू यूज नहीं करते, हम एक दूसरा सिंबल बनाते हैं जो बताता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस एक मीटर में, 1 मीटर में जितना चार्ज होगा उसको क्या बोला जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसका नाम हमने रखा लैम्डा, लैम्डा। अब क्यू की जगह क्या यूज करना है, लैम्डा। लैम्डा इज द चार्ज ऑन 1 मीटर, सो दिस इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो 1 मीटर में कितना चार्ज, लैम्डा, 2 मीटर में 2 लैम्डा, 3 मीटर में 3 लैम्डा। अगर हम बोलेंगे एल मीटर में कितना चार्ज, एल इंटू लैम्डा, ये चार्ज है क्यू, भले स्मॉल लिखिए कैपिटल लिखिए। तो यहां पर क्यू हम किसके लिए लेंगे, एक फिक्स लेंथ के लिए, टोटल के लिए नहीं, और उसका चार्ज कितना बोला जाएगा, लैम्डा एल या एल लैम्डा, ठीक है। ये एक लेंथ वायर पर है। अब एक दूसरी चीज सुनिए, ये भी मैथमेटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक लेंथ एल पर
कितना चार्ज लेना है, एल इंटू लेमडा। पर अगर मैं बोलूंगा एक पॉइंट पर कितना चार्ज है, ये एक पॉइंट पर कितना चार्ज है, तो क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की लेंथ नापते हैं और कैलकुलस इसमें हमारी हेल्प करता है। कैलकुलस क्या बताता है कि एक लाइन की लेंथ अगर नापेंगे तो एल होती है, और अगर आप एक पॉइंट की लेंथ नापेंगे तो ये वाली लेंथ डीएल होती है। डीएल, डीएल नोटेशन हमने क्या बनाया हुआ है, बहुत छोटी लेंथ। कितनी छोटी? अप्रोचिंग जीरो। तो जो लेंथ अप्रोचिंग जीरो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, पॉइंट। तो डीएल लेंथ का कंडक्टर लंबा है कि पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज हुआ। लेकिन डीएल, एल क्या है, लेंथ। तो डीएल एक ऐसी बढ़िया चीज है जिसको हमको जरूरत पड़ेगा तो पॉइंट मान लेंगे और हमको जरूरत पड़ेगा तो लेंथ मान लेंगे। जब हमको पूरी लेंथ चाहिए तो हम बोलेंगे ऐसा करो, डीएल 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 सबको जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो, क्या मिल जाएगा, एल। ठीक। लेकिन जब हमको पॉइंट की जरूरत पड़ती है, जैसे हम अभी यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये वाला, ये फॉर्मूला किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। इस फॉर्मूले को हम यहां लगाने गए, फिजिक्स ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला हमने किसके लिए बनाया, पॉइंट चार्ज, और लगाना किसमें है, लेंथ में, लाइन में। लाइन में लगाना अलाउड नहीं, क्योंकि बनाया किसके लिए गया है, पॉइंट के लिए। तो पॉइंट वाला लाइन में क्यों नहीं अप्लाई होता? तो आंसर है कि यहां पर अगर हमने पॉइंट पी दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये वाली लेंथ की, ये आर है और ये इसकी डायरेक्शन फोर्स की, ये वाली लेंथ इधर फोर्स लगाएगी, इसका ये आर है, ये वाली लेंथ का ये छोटा आर है, ये इधर फोर्स लगाएगी, कोई फोर्स इधर लग रहा है, कोई फोर्स इधर लग रहा है, इनके कंपोनेंट कुछ ऊपर हैं, इसके कंपोनेंट नीचे हैं, कहीं कैंसिलेशन हो रहे हैं, कहीं एडिशन हो रहे हैं, सारे फोर्स आपस में जुड़ेंगे नहीं, इसलिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। अब हम फंस गए इसमें, दूसरा फॉर्मूला हमको आता है, तो फिर क्या तरीका है? तो उसमें वैसे ही बहाना किया जैसे आप लोग करते हैं। हमने क्या किया, ये वाला इतना छोटा सा लेंथ लिया, कितना, डीएल, और हमने फिजिक्स को क्या बोला कि डीएल लेंथ नहीं है, क्या है, पॉइंट, इसलिए ये फॉर्मूला लगाने दो। तो परमिशन आ गई, बोले ठीक है पॉइंट है लगा लो। तो हम ये फॉर्मूला किस पर लगा सकते हैं, डीएल पर लगा सकते, किस पर नहीं लगा सकते, लेंथ पर नहीं लगा सकते। तो हमने डीएल पर लगा लिया, ठीक है, डीएल पे फॉर्मूला लगा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। फिर हम क्या किए, उसके बाजू वाले डीएल को लेके गए, बोले भैया एक और डीएल है, इस पर भी लगा ले, बोले हाँ उस पर भी लगा लो, उस पर लगा लिया। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सब डीएल के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। फिर क्या किया, yes, सबको जोड़ दिया, सबको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए आ गया, पूरी लाइन, ये चालाकी की जाती है डीएल, डीएस, डीवी, ये जो कैलकुलस बनाया गया है इसी, ये उसका एक पर्पस है कि हम अपनी शेप को पॉइंट भी रख सके और दूसरी शेप भी दे सके। तो अब शुरू करते हैं, एक छोटी सी लेंथ हमने डीएल ली, उस डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो आंसर है, ये हमको तरीका मालूम है, लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, इन लेंथ डीएल द चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डीएल, ये चार्ज हो गया। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण बनेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यहां क्या लिखना है, क्यू, क्यू कितना है, लैम्डा डीएल, तो ये हमने लिखा लैम्डा डीएल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, एक डीएल के कारण, अगर सारे को हम इंटीग्रेट कर दें तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट्स को बाहर रख देते हैं, ये इसको बाहर रख देते हैं कांस्टेंट को, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, और इंटीग्रेशन जितनी लेंथ के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उतनी लेंथ तक इंटीग्रेशन कर देंगे. सो दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेंथ r. नहीं, r क्या है, dl के अनुसार r बदला करेगा. अगर dl यहां है तो इसका r अलग होगा, dl यहां है तो r अलग होगा, dl यहां है तो r अलग होगा. सो r विल बी ए फंक्शन अकॉर्डिंग टू थीटा. जैसा जैसा एंगल बदलेगा वैसा वैसा बदलेगा, इसलिए हमने उसको अंदर कर दिया. ठीक है, तो ये हमने खाली एक्सप्रेशन बनाया, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे. तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, लाइन चार्ज के लिए. फिर से लाइन चार्ज में चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा लाइन में. नंबर टू, इसमें चार्ज की पहचान, चार्ज का सिंबल क्या होगा, लैम्डा. क्यों नहीं लेना, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी. उसका नाम याद रखिए, क्या नाम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी. वैसे इसके बाद आएगा एरियल चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और ये पॉइंट. अच्छा, अब इसका तरीका क्या है, वही फॉर्मूला है. Q को हमने क्या लिख दिया है, Q को हमने लिखा है इंटीग्रल dQ, और इस dQ को हमने क्या लिखा, लैम्डा इंटू dl. बाकी सब वैसा का वैसा ही है. देखो इंटीग्रल लैम्डा dl, बाकी सब तो वैसा का वैसा ही है. समझ में आया, तो ये फॉर्मेशन किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज. अब इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप ऐसी होती है कि जैसा हमने एक हेयर ब्रश की कल्पना करिए, एक तार है, उस तार में ऐसे नायलॉन के निकले ब्रिसल्स, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके नीचे में फिर ऐसे निकले, बॉटल का ब्रश, हेयर का ब्रश, देखा ये ऐसे बाल निकले रहते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है. तो ये बाल ऐसे निकलेंगे, ब्रिसल्स ऐसे नहीं जाएंगे. क्यों, क्योंकि ऊपर वाला भी ऐसे जाएगा, नीचे वाला ऐसे जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे, काटना अलाउड नहीं. इसलिए ये भी कैसा जाता है, सीधा ऐसे चारों तरफ, और उसका नीचे वाला वो भी ऐसे सीधे जाता है चारों तरफ. सो इट इज लाइक ए वॉटर ब्रश. तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इस तरह से, एक दूसरे के पैरेलल, एक के नीचे एक, के नीचे एक, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बनेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का. ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉइंट. ये कौन सा हो गया, लीनियर. दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गए. अब हम तीसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए सरफेस, इन ए प्लेन सरफेस, द सरफेस विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंफिनिटली लार्ज. जैसे हम यहां खड़े हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ी दीवार है. सो फॉर अवर साइज दैट वॉल इज एज लार्ज एज इंफिनिटी. ठीक है, तो उसमें अगर हमने चार्ज दिया तो चार्ज कहां जाएगा, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो दिस इज एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये एक इंफिनिट सरफेस है, सब तरफ फैली हुई, इसमें हमने चार्ज दिए, कंडक्टिंग सरफेस है, तो चार्ज ऑटोमेटिकली फैल जाएंगे. किस फीचर के कारण, किस कैरेक्टरिस्टिक के कारण, रिपल्शन के कारण. रिपल्शन के कारण चार्जेस फैलेंगे. क्या उनका डिस्टेंस अलग अलग होगा कि एक समान, प्लेन सरफेस है, एक समान डिस्टेंस पर हो जाएंगे. अदरवाइज अदरवाइज फोर्स कम ज्यादा होगा, फिर वो एक दूसरे को ढकेलेंगे, तो आखिरी में रुकेंगे कब, जब सबके फोर्स बराबर होंगे. फोर्स कब बराबर होंगे, जब सबके आपस के डिस्टेंस बराबर होंगे. तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म. तो इसमें चार्जेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लाइक दिस. ये सब चार्ज
अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, चारों तरफ बनाते हैं। अगर ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बनाता है, ये नीचे बनाता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बचता नहीं है। कौन सा बचता है? जो यहां से ऐसे जाएगा सीधा इस तरफ से, ये किस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड हैं? जैसे तो हमारे टूथब्रश पर होते हैं, जैसे हमारे बूट पॉलिश के ब्रश पर होते हैं, एक प्लेन सरफेस और उस पर ऐसे ब्रिसल्स निकले हुए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप होती है। शेप डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस। इसका मेजरमेंट कैसा करेंगे? तो इसमें हम बना लेते हैं पर यूनिट एरिया में जितने चार्ज आएंगे उसका हमने कुछ नाम रख दिया और उसको हम बोलेंगे एरियल डेंसिटी ऑफ चार्ज, या और इजी शब्दों में चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज डेंसिटी। कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं जो भी आपको समझ में आए। चार्ज पर यूनिट एरिया, एरियल चार्ज डेंसिटी और इसका सिंबल हम रखेंगे सिग्मा। ये कौन सा लेटर है? सिग्मा। सो सिग्मा विल बी यूज्ड फॉर एरियल चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब क्या है कि यहां पर हमने एक छोटा सा एरिया लिया, ये एरिया कितना है? 1 square meter। 1 square meter, 1 square meter से जितना इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर है, ये यहां पर इसको हमने काउंट कर लिया, वो क्या कहलाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि वो यूनिट एरिया में है। उस चार्ज का हमने क्वांटिटी कितनी रखी? सिग्मा। उसका नाम क्या रखा? सिग्मा। अब अगर ये 10 square meter है तो इसके पास कितना चार्ज होगा? आंसर है 10 sigma। 2 square meter है तो 2 sigma। हमारी मर्जी है जितना बड़ा एरिया लेंगे, हमने उसका रेट बता दिया कि 1 square meter में सिग्मा चार्ज रहता है। ठीक है, ये सिग्मा 5 भी हो सकता है, ये सिग्मा 10 भी हो सकता है, ये सिग्मा 20 भी हो सकता है। अगर 20 है तो हम क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी है। 2 है तो बहुत कम चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज डेंसिटी है। ओके, तो फिर से चार्ज Q किसके बराबर होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अगर हमने यहां पर पॉइंट चार्ज लेना है तो फिर वही टेक्निक लगाएंगे। पॉइंट चार्ज लेने के लिए कितना बड़ा एरिया लेंगे? पॉइंट का एरिया यहां कितना हो जाएगा? इस पॉइंट एरिया को बोलेंगे डीए, ए फॉर एरिया, या सरफेस एरिया के लिए कई बुक्स में डीएस लिखा रहता है, एस स्टैंड फॉर सरफेस एरिया। सो डीएस होगा या डीए होगा, दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। तो ये डीए पॉइंट है, इसके पास कितना चार्ज होगा? तो आंसर है डीए के पास चार्ज होता है सिग्मा इंटू डीए। यही तो हमारा फॉर्मूला है, सिग्मा के साथ एरिया को मल्टीप्लाई कर दो। तो सिग्मा के साथ हमने एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है? छोटा सा चार्ज जो इस एरिया के पास है। अगर ये चार्ज इतने से एरिया के पास है तो यहां से आर डिस्टेंस पर पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट चार्ज कितना बनाएगा? पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला लगाना अलाउड है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डीई का डीई इज इक्वल टू 1/4πε0dq/r2। dq की जगह हम क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू डीए। ये किसका फॉर्मूला बना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीए। लेकिन अगर पूरे एरिया के लिए बनाना है तो डीए 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 सबको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट फॉर टोटल एरिया ए एंड दिस विल बी ई। तरीका समझ आया? सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरियल
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अगला हम लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास ये एक गोला है, सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर के अंदर में चार्ज भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज भरा हुआ है। सो ये अंदर तक इसमें चार्ज है। ओके, इस तरह से जब अंदर तक चार्ज भरा होगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में है। उसके लिए हमने मेजरमेंट क्या बनाया, उसके लिए हमने मेजरमेंट बनाया रो। रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो V वॉल्यूम पर, एक वॉल्यूम पे चार्ज कितना है रो, दो वॉल्यूम पे कितना होगा टू रो, तीन वॉल्यूम पे थ्री रो, V वॉल्यूम पे रो इंटू V और dV वॉल्यूम पर रो इंटू dV। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम को हमने रो में मल्टीप्लाई करना है, उतने वॉल्यूम का चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब पॉइंट चार्ज कितना लेंगे, बोलिए। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, दो बार आप ले चुके हैं। अच्छा, डायरेक्ट E इज इक्वल टू, ठीक है वो बना देते हैं बेस्ट। बोलिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रल आर स्क्वायर। यहां क्या लिखना, रो इंटू, वेरी गुड, तरीका समझ आ गया। हर जगह हम डी क्यू की वैल्यू यहां लिखते हैं क्योंकि डी क्यू इंटीग्रेट करने से क्यू बन जाता है। तो यहां पर dq की वैल्यू क्या लिखेंगे, रो इंटू dv, हो गया बस। ठीक है, तो ये हमारा इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुआ। तो आप देखिए, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके लिए है, तो आंसर है बेसिक फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है, बाकी सब हमको डिराइव करने पड़े। अच्छा, एक चीज ये हो गया। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ लैम्डा, सिग्मा एंड रो। ये आपके साथ पूरी पढ़ाई आपके साथ चलेगी। डी क्यू इज इक्वल टू, लाइन में डी क्यू किसके बराबर होता है, लैम्डा इंटू डी एल। सरफेस में पॉइंट चार्ज डी क्यू किसके बराबर होना है, सिग्मा इंटू डी एल, और वॉल्यूम में भरा है तो ये चीज आपको बार बार काम आएगी। ये हम लोगों ने इससे पढ़ा, समझ आया। तो एक मेथड हमको पता लग गया कि हमने स्टार्ट हमेशा किससे करना है, पॉइंट से, और फिर अगर पूरा स्फीयर दिया है तो उसको पूरे स्फीयर के लिए इंटीग्रेट करेंगे, आधा स्फीयर दिया है तो आधे के लिए करेंगे, जितना वॉल्यूम दिया है उसके लिए उसको इंटीग्रेट करेंगे उतने ही वॉल्यूम के लिए, ये फॉर द गिवन वॉल्यूम। ठीक, तो ये हमको एक समझ आ गई कि इस तरह से बेसिकली हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया लाइन के लिए, सरफेस के लिए, वॉल्यूम। ठीक है, अब एक तरह का और डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये एक पार्टिकल है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पार्टिकल है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में एक रॉड लगाया हमने विच इज ए इंसुलेटर, और इन दोनों को यहां बांध दिया, ये एक सिस्टम बन गया।
दिस इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. अभी तक हम क्या देख रहे थे, सब एक ही तरह के, या तो सभी प्लस फैले हुए या सभी माइनस फैले हुए. अब इसमें एक प्लस और एक माइनस ऐसा फैला हुआ है. इस चार्ज को हम बोलेंगे अलग अलग दो चार्ज, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस. दिस इज डाइपोल. क्या नाम है इसका? डाइपोल. डाई मीन्स दो, पोल मीन्स किनारे. दोनों किनारों पर दो अलग अलग तरह के चार्ज रहते हैं. सो दिस इज डाइपोल. सो डाइपोल इज अगेन ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. डाइपोल इज ए बॉडी. क्यों बॉडी? क्योंकि वो बीच में एक फिनिट डिस्टेंस पर फिक्स है. वो डिस्टेंस को ना हम कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं. तो अब हम अगली स्टडी करते हैं डायपोल की. इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? एक बार फिर, इलेक्ट्रिक डायपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पूरी दुनिया इससे भरी हुई है. अब आप बोलेंगे आप जो भी चीज बोलते हो सारी दुनिया उससे भर जाती है. पहले पढ़ाया चार्ज, सारी दुनिया चार्ज से भरी हुई है. क्योंकि हर जगह पे कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक. जहां भी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फिर पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोला? पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक फील्ड से भरी हुई है. मोबाइल भी उसी से है, लाइट भी उसी से है, हर चीज उससे. अब डायपोल, पूरी दुनिया डायपोल से भरी हुई है. तो बात यह कि हम फिजिक्स में वही चीजें पढ़ते हैं जो जिससे सारी दुनिया भरी हुई है. तो डायपोल पढ़ेंगे. तो डायपोल क्या होता है? डायपोल एक सिस्टम है. उस सिस्टम में दो इक्वल चार्जेस हैं अपोजिट नेचर के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. दोनों किसी कारण से एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर जुड़ गए. कारण हमको बताने की जरूरत नहीं है. पॉजिटिव और नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अगर एक पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है और एक के पास नेगेटिव चार्ज है तो हमको कारण देने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ऐसे जाके चिपक जाएंगे और ऐसे चिपके ही रहेंगे. अगर चिपके रहेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना? हाँ, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं जीरो, पर जीरो नहीं होता. सेंटर टू सेंटर देखिए, गोले है ना दोनों. एटम एक गोला होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उसके चारों तरफ होता है. तो उसका कुछ ना कुछ डायमीटर होता है, इसका भी डायमीटर होता है. तो अगर हमने एक सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव. और क्लोराइड के पास नेगेटिव. अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये सोडियम और ये क्लोराइड, तो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर और ये इनके बीच का डिस्टेंस. जबकि दोनों आपस में चिपक चुके, फिर भी इन दोनों के बीच डिस्टेंस है.